हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट करने वाला केसर पिस्ता बादाम केक, जो बहुत ही टेस्टी है और साथ में बहुत इजी है इसे बनाना, क्योंकि इसे मैंने केक मिक्स से बनाया है। तो इस चीज़ पे आप ज़रूर ट्राई करें। और इस वीडियो में मैं एक और एक केक बताऊंगी, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और शेयर और लाइक ज़रूर करिए और इस ईद पर ज़रूर ट्राई करिए इस केक को। यहाँ पे मैंने केक मिक्स लिया है, तो 1 पैकेट मैंने केक मिक्स ले लिया है। ये येलो केक मिक्स है, आप वैनिला फ्लेवर का कोई सा भी केक मिक्स ले लें। और इसे मैं डालूँगी पूरा बोल में, इससे 2 पाउंड का केक आराम से बन जाएगा। इसमें डालेंगे 3 eggs, 1 cup चिल्ड वाटर, ठंडा पानी इसमें डाल देंगे 1 cup, 1/4 cup इसमें वेजिटेबल ऑयल डालूंगी। आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी इसमें डाल सकते हैं। वैसे केक के जब भी आप मिक्स करते हैं उसके पीछे इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि उसमें क्या क्या जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसे बना सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो आप वैनिला फ्लेवर का कोई सा भी केक मिक्स ले सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, आप इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। बस ये केक मिक्स हमारा रेडी, अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे एक टिन लूँगी जिसे मैं ग्रीस कर दूँगी, थोड़ा सा तेल इसके अंदर लगा देंगे और इसमें डालेंगे ये बैटर। तो 1/2 बैटर मैं इसमें डाल दूँगी। आप अगर एक तरह का केक बना रहे हैं तो आप सारा बैटर जो है उस टिन में डाल दें। बस ध्यान रखना है कि हमें टिन को सिर्फ 3/4 ही फिल करना है। और इसके ऊपर डालेंगे नट्स, आप अपने पसंद का कोई भी नट्स डाल सकते हैं, मैं आमंड्स डाल रही हूँ। और इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे जो ओवन प्री हीट किया हुआ है उसमें आप बेक करें 20 से 25 मिनट के लिए। अब मैं इस बैटर में डाल लूँगी ये केसर जिसे मैंने सोक कर लिया है मिल्क में। इसमें मिल्क ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, जो केसर है वो डाल देंगे, ऊपर से भी थोड़ा केसर डाल देंगे। और इसे भी 180 डिग्री सेल्सियस पे हम बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट में दोनों ही केक रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए ये केक कितना सॉफ्ट है। तो 25 मिनट में अच्छे से बेक हो गया है। अगर टाइम लगे तो आप थोड़ा 5 मिनट के लिए और बेक कर ले, पर केक को चेक करते रहें। ये भी केक रेडी है। अब मैंने इसे ओवन से निकाल दिया। थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसमें डाल लूँगी एक मिल्क का मिक्स। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मिल्क लिया है, उसे मैंने स्टोव पे चढ़ा दिया है। अब मैं डालूँगी इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/2 कप मैं डालूँगी कंडेंस मिल्क। और इसमें जाएगा ये जो मिल्क जिसमें मैंने केसर सोक किया है, थोड़े से केसर, और इसे सबको अच्छे से बॉयल कर लेंगे। बॉयल होने के बाद मैं स्टोव को ऑफ कर दूँगी। ये देखिए, तो अब ये जो केक है इसमें इस तरीके से होल करना है, तो आप फोक की हेल्प से भी हो इस तरीके से पोक कर सकते हैं। और ये जो मिल्क जो हमने रेडी करके रखा है वो इसके ऊपर डाल देंगे। ये थोड़ी देर में सारा मिल्क सोक कर लेगा। अब इसे रख देते हैं ऐसे ही। अब यहाँ पे ये क्रीम है उसे मैं व्हिप करूँगी। तो यहाँ पे पाउडर क्रीम लिया है मैंने, 1 पैकेट जाएगा इसमें। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप ठंडा पानी डाल सकते हैं या आप मिल्क डाल दें। बस ध्यान रखें कि चिल डालना है आपको, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए मिल्क या पानी जो भी आप यूज़ कर रहे हो। इसे अच्छे से बीट कर लेना है जब तक कि अच्छा सा विप्ड ना हो जाए। 5 से 7 मिनट में ये विप्ड हो जाएगा। एक बार ये विप हो गया तो इसे आप फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए ताकि ये सेट हो जाए। 1/2 घंटे के बाद मैं इसे निकाल के इसे पाइपिंग बैग में डाल दूंगी। तो केक में भी मिल्क डाले से 1/2 घंटा हो गया है, तो उसने जो भी सोक किया है उसके ऊपर आप डालेंगे ये व्हिपिंग क्रीम। तो ये देखिए जो मिल्क है उसने सारा सोक कर लिया है, उसके ऊपर हम ये व्हिप क्रीम डालेंगे। ध्यान से डालें, जो मिल्क है उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से इसे लेवल कर दे बस। बहुत ही इजी है ये केक और टेस्ट बहुत डिफरेंट है। इसके ऊपर मैं डालूंगी केसर, थोड़े से पिस्ता बादाम,
या जो भी नट्स आपको पसंद हो इसके ऊपर डालें आप, और इसे फ्रिज में रख दें 1 से 2 घंटे के लिए, और चिल ठंडा, बिल्कुल ठंडा सर्व करें, तो बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट करने वाला केक इस ईद पे आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये 2 घंटे के बाद अच्छे से सेट हो गया है, अब मैं इसे कट करूँगी। सर्व करें ये टेस्टी सा केक, और इस ईद पे आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी अगर तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।